आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप नाभि पर हाथ रखकर किसी को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप नाभि पर हाथ रखकर किसी को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना ही आपको कुछ जलाना है, ना किसी को कुछ खिलाना है। बस आपको अपनी नाभि पर इसको करना है और आप जिस किसी को भी अपने वश में करना चाहते हैं वो आपके वश में तुरंत आ जाएगा। जी हाँ, तुरंत आपके वश में आ जाएगा। और आपको इसे करने का बहुत ही आसान तरीका आज मैं बताने वाली हूँ जो कि तुरंत काम करता है। और आप अगर किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो वो मात्र कुछ घंटों में ही आपके वश में होगा। चाहे आपकी भाभी हो, आपकी पड़ोसन हो, आपकी बॉस हो, या फिर आपके घर के पास रहने वाली कोई महिला हो जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी बात मानने लग जाए, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों बहुत आसान है, तुरंत हो जाता है ये। बस आपको करना क्या है कि आपको रात को सोते समय अपनी नाभि पर हाथ रखकर इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी होगी दोस्तों, वो ये कि आपको सच्चे मन से इसको करना होगा, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। जब आप इसे करेंगे तो ये आपके लिए ज़रूर काम करेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का संदेह, किसी भी तरह का शक अगर अपने मन में रखते हैं तो चीज़ें आधी ख़त्म हो जाती हैं, मतलब उनका आधा जो होने का जो स्कोप है, जो चांस है, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे पूरे विश्वास के साथ करें। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि रात को सोते समय आपको अपनी नाभि पर हाथ रखना है और उसके बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। छोटा सा मंत्र है जो आपको सिर्फ 7 बार बोलना है, और सिर्फ इतना ही करने से आपकी जो वो व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है या आपके पति हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो आपके वश में हो जाएंगी और कुछ ही घंटों में जैसा आप चाहेंगे वैसा करने लग जाएंगी। तो मंत्र है इस प्रकार कि आप इसे पहले नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम क्लीम नमो धूम नमः। ओम क्लीम नमो धूम नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको 7 बार करना है नाभि पर हाथ रखकर, और उसके बाद आपको सो जाना है। जी हाँ, जो भी व्यक्ति है जिसको आप वश में करना चाह रहे हैं उसका ध्यान करते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। इस मंत्र को बोलने के लिए आप इसे मन में भी बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसे ज़ोर ज़ोर से ही बोलें। मंत्र का उच्चारण आप 7 बार कीजिए। बस कुछ बातों का ध्यान रखिए, वो ये कि आपको स्वच्छ मन से यानी कि अच्छे विचारों के साथ इस उपाय को, अच्छे विचारों के साथ दोस्तों इस उपाय को करना है और आपका काम ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो आप इस उपाय को कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। हम आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।